उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे, उपलब्धियां जुड़ी पर सपने अभी अधूरे। 3 साल का शासन क्या लेकर आया, आखिर उत्तराखंड ने क्या खोया क्या पाया। जी हाँ, सवाल उठ रहा है कि आखिर उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया। कांग्रेस की सरकार को बने राज्य में 3 साल हो चुके हैं। पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री बने विजय बहुगुणा और उसके बाद हैं सीएम हरीश रावत। दोनों ही दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ज्यादा काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन इस बीच राज्य ये सवाल पूछ रहा है कि उसको क्या मिला। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुरेश जोशी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से सूर्यकांत धस्माना हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, दरअसल उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। 13 मार्च 2012 को मुख्यमंत्री के रूप में विजय बहुगुणा ने शपथ ली और उसके बाद बदले हालात में हरीश रावत सरकार के मुखिया बन गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इन 3 सालों में उत्तराखंड ने क्या खोया और क्या पाया। तमाम उतार चढ़ाव के बीच उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं। इन 3 सालों में सरकार की झोली में आज कुछ पूरे तो कुछ अधूरे सपने हैं। उपलब्धियों के नाम पर जहां लिस्ट लंबी है, वहीं फजीहतों की फेहरिस्त भी छोटी नहीं लगती। अब वर्तमान के बिसात पर खड़े मुखिया जी कह रहे हैं कि चुनौतियों का चंगुल है भूत से लेकर भविष्य तक। ये समय हम सबके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, मगर मुझे इस बात का फक्र है कि हम लोग राज्य को न केवल आपदा की ताजगी से उभार पाए बल्कि पुनर्निर्माण के एक मजबूत रोड मैप के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस के कुंडे में जश्न की कहानी है, वहीं इस कहानी के पहले हीरो बहुगुणा जी से उनका किरदार पूछा तो कुछ नहीं मिला हिचकिचाहट के सिवा। नजरिया अपना अपना है, आप अच्छा ढूंढोगे तो आपको अच्छा दिखेगा, उसमें से खामियां ढूंढोगे तो उसमें खामियां मिलेगी, लेकिन बजट आने दीजिए तब फिर मैं अपने प्रतिक्रिया। इनके आंगन में आज खुशियों की शाम उतरी है, लेकिन विरोधियों की माने तो कुछ नहीं बदला। सरकार की हर बात बेमानी है, बस खेल चल रहा है जल जंगल और जमीन का। अभी तक किया ही क्या है सरकार ने, कोई सरकार की उपलब्धि ऐसी हमको तो नजर नहीं आई है आज तक। यानी कि 3 सालों में जितना हम उत्तराखंड की बर्बादी कर सकते थे उतनी हमने बर्बादी कर दी है। तमाम झंझावातों के झूले में झूलती हुई यहाँ तक पहुँच गई सरकार। ये बात भी अलग नहीं कि 2-2 मुखिया मिल चुके हैं इन 3 सालों में। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं, ऐसे में उपलब्धियां कम और नाकामियां ज्यादा हैं। राजनीतिक अस्थिरता इतनी कि 3 सालों में 2 मुख्यमंत्री बदल दिए गए, वहीं सरकार की कोशिशें भी अब घोषणाओं से ज्यादा कुछ नहीं रह गई हैं। पिछले 3 सालों में ज्यादातर घोषणाएं हुई वो धरातल पर नहीं उतर पाई। अब देखने वाली बात होगी कि अगले 2 सालों में कांग्रेस के नेता क्या कुछ कर पाते हैं। कैमरामैन गौरव पंत के साथ पंकज पवार, देहरादून समाचार प्लस। जी हाँ, तो घोषणाएं तो बहुत हुई, लेकिन क्या ये घोषणाएं इन 3 सालों में धरातल पर उतर पाई हैं? खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सुरेश जोशी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। सूर्यकांत धस्माना जी, 3 साल हो गए हैं कांग्रेस को राज करते हुए इस राज्य में, और इन 3 सालों में आपने सरकार अच्छी चले उसके लिए मुखिया भी बदला, लेकिन क्या लोगों की उम्मीदें पूरी हो पाई अभी तक? जो घोषणाएं सरकार ने की, क्या वो घोषणाएं धरातल पर उतर पाई? गायत्री जी, देखिए 2 बातें हैं। एक तो उम्मीदों की बात है, उम्मीदें बहुत सारी हैं। इस राज्य के गठन के साथ 14 साल पूरे हो गए, 15वां साल चल रहा है। 9 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था और 9 नवंबर 2015 को 15 साल पूरे हो जाएंगे। बहुत लंबा सफर है, 15 साल का छोटा नहीं है, लेकिन ये नवोदित राज्य, इसमें जो अपेक्षाएं लोगों की थी, जो सपने थे, उनको पूरा होने में भी बहुत समय है। लेकिन इस सरकार से अगर आप बात कहेंगे और चुनाव घोषणा पत्र को अगर आप सामने रखेंगे, रिपोर्ट कार्ड चुनाव घोषणा पत्र से बनता है किसी भी सरकार का, तो चुनाव में जितने 2012 में कांग्रेस पार्टी ने जनता से वादे किए थे, मैं समझता हूं कि विषम और विपरीत परिस्थितियों में जब राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने सरकार में कदम रखा, तो पहले साल ही आपदा आई, 2012 में आपदा आई,
और उस आपदा से निपट रहे थे पूरे साल भर, तो 2013 का जो विनाशकारी पूरे राज्य में 35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उस आपदा से प्रभावित हुआ, पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 3 वर्षों में सरकार ने इन आपदाओं से निपट करके राज्य को पटरी में लाने का काम, जो विकास की पटरी से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे राज्य को डीरेल कर दिया था, उसको वापस पटरी में रख करके आपदाओं से निपटते हुए पुनर्निर्माण के साथ साथ तमाम जो विकास की योजनाएं हैं उनको जमीन पर उतारने का काम किया। मैं बात मानता हूं कि जो घोषणाएं हैं वो घोषणाएं अभी बहुत लंबा सफर लगेगा उन्हें पूरा होने में, लेकिन मैं समझता हूं घोषणाओं के साथ साथ काम शुरू हुआ है, जमीन पे काम शुरू हुआ है, चाहे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में काम हो। सिर्फ 2 साल बचे आपके पास, ठीक है। अब सुरेश जोशी जी, जिस तरह से कह रहे हैं कि जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था, कांग्रेस कह रही है कि चुनावी घोषणा पत्र में जो था वो हमने पूरा किया है। अगर हम अब तक देखें तो एनडी तिवारी के बाद सीएम हरीश रावत है जिन्होंने 1 साल में सबसे ज्यादा 1600 घोषणाएं की हैं। 3 साल बीत गए हैं, 2 साल बचे हैं, क्या ये वादे, क्या ये घोषणा धरातल पर दिखाई दे रही है? देखिए, अभी 3 साल की जो सरकार ने उत्तराखंड में काम किया है और जो घोषणाओं की बात हो रही है, अगर पूरे प्रदेश को देखा जाए तो जब से हरीश रावत जी आए हैं या उससे पहले वैगुणा जी थे, 1.5-2 वर्ष तो सिर्फ इस विषय पे एक नाकामी को आगे करके सारे विकास को पीछे किया है कि आपदा आ गई और आपदा के कारण हम आपदा से उभर रहे हैं ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आपदा को सुनियोजित तरीके से कर रहे थे दूसरे मुख्यमंत्री जी कह रहे थे, लेकिन प्रदेश की जनता सबसे पहले तो ये पूछना चाहती है कि भाई आपदा जो आई थी वो भयंकर थी और विनाशकारी थी, लेकिन वो एक सेलेक्टेड एरिया में आपदा आई थी, पूरे प्रदेश में आपदा नहीं आई थी, लेकिन सेलेक्टेड एरिया की आपदा को पूरे प्रदेश की आपदा बना करके जिस तरह से प्रदेश सरकार जो है एक तरह से सारी नाकामियों को छुपाने का प्रयास कर रही है, ये प्रदेश की जनता पहले तो ये जानना चाहती है कि भाई जिन जिलों में आपदा आई नहीं थी वहां विकास के कार्य क्यों बाधित हो गए? क्या जिला योजना का पैसा, स्टेट सेक्टर का पैसा, ये जो भारत सरकार की कार्यदायी संस्थाओं से विभिन्न विभिन्न पैसा मिल रहा था वो उन 4 जिलों में ट्रांसफर किया क्या सरकार ने? भाई आपके ने जो है कि जिन जिलों में आपदा नहीं आई वहां पर काम क्यों नहीं हुए, वहां पर क्यों विकास नहीं हुआ? और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या जो शिक्षा की व्यवस्था आज ये है कि 20-25% छात्र और छात्राएं सरकारी स्कूलों से पलायन कर रहे हैं इन 3 वर्षों में, ये भी क्या आपदा का कारण है? क्या पर्यटन आपदा का कारण हो सकता है? क्या जो सड़कें कुमाऊं की बननी थी, जो एनएच बनने थे जिनके लिए भारत सरकार से पैसा पर्याप्त मात्रा में था, 2100 करोड़ रुपए एडीपी का आपके पास रोडों को बनाने के लिए रखा हुआ था, क्या वो भी आपदा से प्रभावित हुआ क्या? अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो किस तरह से बेलगाम प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी है वो भी आपदा का कारण है क्या? क्या इस प्रदेश की कानून व्यवस्था जो 13 के 13 जिलों में ध्वस्त हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, और आज ये स्थिति है कि कोई थाना या कोई छोटी सी चौकी ऐसी नहीं है जिसमें हर रोज जो है 10-10, 20-20 मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में यह स्थिति आ गई है, क्या ये भी आपदा से हुआ है क्या? इसलिए सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, जो आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने 1600 घोषणाएं की है, उससे भी ज्यादा क्या कांग्रेस पर इस आपदा का असर पड़ा है जो पिछताछ चल रही है जोशी जी? भाई आपने 1600 घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं ऐसी हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं, कितनी घोषणाएं ऐसी हैं जो काम हो रहा है? स्थिति सरकार की ये है, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए विजय रघुना जी ने इस पर जो है कि अपने नए जो है वो बनाने का प्रयास किया था, लेकिन आज क्या है कि वो सारे के सारे काम जो है कि वर्तमान के मुख्यमंत्री जी ने सारे बंद कर दिए, जो नई सड़कें बननी थी देहरादून के अंदर को उसको जोड़ने के लिए वो भी बंद कर दी गई, और यहाँ पर के जितने हाईवेज बनने थे या जितने बड़े ब्रिजेज बनने थे सारे बंद कर दिए गए हैं, तो ये क्या विकास हो रहा है क्या प्रदेश का? इस विकास के लिए क्या चिंता है प्रदेश को? लेकिन 1-3 वर्षों की अगर बहुत बड़ी उपलब्धि अगर आप कहेंगे तो एक उपलब्धि तो यह है कि बैगुना जी को हटा करके हरीश रावत जी को लाया गया, और हरीश रावत जी जिस तरह से बड़े प्यार से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, आपके मीडिया में आकर के बहुत अच्छी सी बाइट वो दे देते हैं और वो मैनिपुलेशन लोगों को लगता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन अगर आप धरातल को देखें, अगर आप उत्तरकाशी से लेकर गंगोत्री यमुनोत्री से लेकर के आप धारचूला मुंशहरी तक को देखें, जिस विधानसभा के स्वयं वो विधायक हैं, उस विधानसभा की इतनी दुर्गति है, मैं 4-5 दिन पहले वहीं जाकर के आया हूं, ठीक है, वहां जो है कि 90% हाईस्कूल और इंटर कॉलेज है, आप कहना चाह रहे कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है सिवाय घोषणा, मुख्यमंत्री को अपनी विधानसभा अमिताभ जी इन 3 सालों में कांग्रेस के सिवाय राज्य को क्या मिला?
नहीं देखिए जो, जो प्राकृतिक आपदा आई थी हेलो उस आपदा के भी दो पहलू, एक उत्तराखंड में आ जाएगी भैया धैर्य रखिए आ जाएगी, एक नारा लगा उत्तराखंड में गांव गांव लोगों ने दोहराया उसको, आपदा आई संपदा लाई, आपदा के बाद आई राशियों का बंदरमाट, यह भी एक दुर्भाग्य देखा इसी तीन साल में उत्तराखंड ने, और दूसरा आपदा से जितना नुकसान नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान राजनीतिक आपदाओं ने किया। प्राकृतिक आपदा का नुकसान सीमित था, राजनीतिक आपदाओं के नुकसान ने प्रदेश को असीमित नुकसान में ढकेल दिया। ना तो बहुगुणा अपना कार्यकाल चला कर पाए पूरा ढंग से, वो जब तक मुख्यमंत्री रहे वो भी उनकी भी कुर्सी हिलती डुलती रही, अब हरीश जी आए तो बहुगुणा जी इनको पूरा नहीं करने देंगे, इन वो इनकी कुर्सी पकड़ के हिला रहे लगातार। तो ये जो आपस में संघर्ष था इसने नौकरशाही को बेलगाम कर दिया। नेता आपस में जब लड़ते हैं दसमाना साहब सत्तारूढ़ पार्टी के, तो उसका सबसे पहला बेनिफिशियरी मालूम कौन होता है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी हमेशा चाहती है कि जिस पार्टी की सरकार हो उसके भीतर लात जूता चलता रहे लगातार, ताकि हम प्रसन्न रहें हम मस्त रहें। उत्तराखंड ने तीन साल में यह दृश्य खूब देखे। हम अगर समीक्षा करेंगे तीन साल की, हम कांग्रेस के घोषणा पत्र से नहीं करेंगे ना बीजेपी के आरोपों से करेंगे, हम करेंगे क्या स्कूल में मास्टर है, क्या अस्पताल में डॉक्टर पहुंचा, क्या पानी लोगों तक है पीने के लिए उपलब्ध, क्या नौजवानों के लिए रोजगार की कोई रास्ता खुला, उत्तराखंड की एक अलग पहचान किस यूएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट की किस रूप में बन सकती है, उसके लिए कोई उस दिशा में कार्य बढ़ा आगे? नहीं ना, इन विषयों पर कुछ भी नहीं हुआ। ये समस्याएं वही की वही खड़ी है। साल हो गए 14.5 आपको बने हुए और आपकी सरकार की इस सरकार के भी तीन साल हो गए, लेकिन जिन बुनियादी सवालों को लेके उस वक्त छटपटाहट थी 2000 से पहले कि हमको अलग सूबा चाहिए, हमको ये विकास करने हैं, उन पैरामीटर्स पर उन कसौटियों पर कहां खड़ा है उत्तराखंड आज? कौन है जिम्मेदार? जो लोग मुख्यमंत्री रहे सरकार में रहे वही ना जिम्मेदार है कि आम आदमी जिम्मेदार है वहां का? आज भी आप अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं करा पाए, आज भी स्कूल में मास्टर उपलब्ध नहीं करा पाए, आज भी केंद्र द्वारा दी हुई वित्तीय सहायता का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित नहीं करवा पाए वहां। फिर कहे के लिए? किस लिए शहादत हुई थी उत्तराखंड में लोगों की? किस लिए अलग राज्य के लिए लड़ाई हुई थी? कांग्रेस के आंतरिक सत्ता संघर्ष ने तीन साल में उत्तराखंड को निराश किया। उससे पहले भाजपा की सरकार थी, वो भी अंतः संघर्ष में उलझी रही, अंतः संघर्षों में आंतरिक संघर्षों में उलझी हुई सरकारों ने उत्तराखंड के साथ न्याय नहीं किया। बिल्कुल सूर्यकांत दसमाना जी, तो क्या कांग्रेस अपने अंतरकलह में इस कदर उलझी रही कि वो सरकार को ठीक से चला नहीं पाई, विकास नहीं कर पाई, घोषणाएं बहुत ज्यादा कर दी एक दूसरे के साथ होड़ को लेकर कि भाई हम ज्यादा अच्छा चला रहे हैं सरकार को, और इसके चलते अब घोषणाएं इतनी ज्यादा हो गई कि मुख्यमंत्री जगह जगह कह रहे हैं कि जो घोषणाएं हम पूरी कर पाएंगे पांच साल में वो ठीक है, बाकियों के लिए माफी मांग लेंगे? नहीं देखिए गायत्री जी, अमिताभ जी की जो बात है, अमिताभ जी ने जो पक्ष रखा है राज्य के बारे में, मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके कि ये छोटे राज्य में ये संकट जो राजनीतिक दलों के अंदर सत्ता संघर्ष का है वो कोई अछूता नहीं है, उससे हम भी अछूते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी भी अछूती नहीं है, और अमिताभ जी कह चुके हैं उस बात से, और उसका सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो राज्य को भुगतना पड़ता है, और सबसे ज्यादा फायदेमंद अगर कोई होता है तो जो परमानेंट सरकार जिसको हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी, जिसने सबसे ज्यादा आनंद इस राज्य में 15 वर्षों में अगर किसी ने आनंद लिया ना राजनेताओं ने लिया, राजनेताओं की कुर्सी भी हिलती डुलती रही 15 साल में, अभी 15 साल पूरे नहीं हुए, 8 मुख्यमंत्री यहां बदल गए, और राज्य में जो जनता है उसके हालात, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं विकास के, वो तमाम बातें हैं, लेकिन 3 वर्ष का जो आज इशू है कि 3 वर्ष में कांग्रेस के शासनकाल में, जोशी जी ने भी कहा कि जो 2013 की आपदा थी वो सीमित थी, मैं जोशी जी हमारे बड़े विद्वान मित्र हैं और अमिताभ जी जानते हैं पूरी आपदा के दौरान आपने कवरेज कराया है,
35,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ। यमुनोत्री गंगोत्री से लेकर के केदारनाथ बद्रीनाथ और धारचूला तक वहां पूरी आपदा, और उसके बाद पहाड़ों के बाद जो पानी नीचे गया हरिद्वार, जितना नुकसान हरिद्वार में हुआ, तराई के क्षेत्रों में हुआ, पूरा राज्य उससे प्रभावित हुआ था। लेकिन आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि उसको बहाना बना करके हम अन्य बातों को पीछे नहीं धकेल सकते। अगर आप पूरा, अगर आप, मैंने आपको कहा कि आप घोषणा पत्र कांग्रेस का देखें, तो तमाम जो जनता से वादे किए थे, चाहे गरीब लोगों से किए हों, चाहे मलिन बस्ती के लोगों से किए हों, चाहे माइनॉरिटीज के लोगों से किए हों, चाहे हमारे पूरे राज्य के जो तमाम, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि आज स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में केवल आप हमारी सरकार का आकलन न करें, आप शुरू से लेकर अब तक अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की कोशिश लगातार जारी है। इसी प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ होना है, और आप ये जो घोषणाएं कह रहे हैं, ये घोषणाएं इसीलिए होती हैं कि राज्य में जो तमाम व्यवस्थाएं उनको ठीक करने के लिए जो मुख्यमंत्री को समझ में आता है, जो मुख्यमंत्री समझते हैं कि ये घोषणाएं होनी चाहिए, वो घोषणाएं होती हैं। सरकार की व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं, ये बड़ा सवाल है, तो बाकी व्यवस्थाएं क्या ठीक होंगी? सुरेश जोशी जी, क्या कांग्रेस की अंतर्कलह का खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ रहा है? सरकार घोषणाएं भी करती है लेकिन उलझन इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको अमल में नहीं ला पाती। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के अंदर जो अभी चल रहा है, अगर आप पूरे 3 वर्ष की बात करेंगे, तो जब विजय वैगुणा जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो तब से लेकर के जब तक विजय वैगुणा जी कुर्सी पर रहे, हरीश रावत जी और उनके समर्थक किस तरह का इस प्रदेश को जो है कि एक राजनीतिक संकट में डाल रहे थे, वो सबके सामने सर्वविदित है। लेकिन उसके बाद अब जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उन्होंने जितने उनके सहयोगी मंत्रीगण हैं या जितने उनके सहयोगी काम करने वाले लोग हैं, उन सबको एक तरह से बोना कर रखा है। आज प्रदेश की स्थिति क्या है कि प्रदेश को 2-3 लोग चला रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी में देखा जाए तो 1-2 ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पूरे प्रदेश को नचा रहे हैं। पॉलिटिकली देखा जाए तो 1-2 लोग जो हरीश रावत जी के 4th फ्लोर के अगल बगल जिनको कमरे दिए गए वो चला रहे हैं। तो अगर ऐसे प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और प्रजातांत्रिक व्यवस्था से चलने वाली पार्टी चलेगी, तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा तो प्रदेश को भुगतना पड़ेगा। और जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी तो मुझे कहीं दिखती नहीं इस समय। तो जो स्थितियां बनी हुई हैं, कांग्रेस का पूरा संगठन, पूरी पार्टी जो है वो हरीश रावत जी के जेब में है, क्योंकि जो स्थितियां बनी हुई हैं, और उस पर जो है कि जहां तक सरकार को चलने और न चलने का प्रश्न है, क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं है चलने में, सरकार विकास चाहती ही नहीं है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र की बात हो रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र तो जो दसवाना जी कह रहे हैं, ठीक है, उनको कहना भी चाहिए, वो पार्टी के सीनियर लीडर हैं और बहुत वरिष्ठ नेता पार्टी के हैं और एक एक बात को समझते हैं, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र को तो मुझे लगता है कि कहीं टोकरी में डाला होगा। अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकार चल रही होती तो प्रदेश की यह दुर्गति नहीं हो रही होती। आज अगर आप देखो तो पूरे प्रदेश में, जब हम उत्तर प्रदेश या बिहार के बारे में कहते थे कि भाई बिहार के अंदर या उत्तर प्रदेश में गाड़ी जा चुकी है, गाड़ी बता रही है, चालक नहीं गाड़ी बता रही कि हम उत्तर प्रदेश में इन कर चुके हैं। आज मेरे को एक पत्रकार मित्र कर मैं प्रेस कर रहा था हल्द्वानी में, वो कह रहे थे भाई साहब, अब स्थिति यह होगी जब हम उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में आते हैं तो गाड़ी बता देती है कि हम उत्तराखंड में आ गए हैं। स्थितियां ये है कि सड़क गड्ढे में या गड्ढे में सड़क है, ये स्थितियां उत्तराखंड की है। ये आज जो है कि सड़कों की हालत प्रदेश की बनी हुई है। मैंने कानून व्यवस्था का जिक्र किया, शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया, और स्वास्थ्य की जहां तक बात है, स्वास्थ्य की ये दुर्गति प्रदेश के अंदर है कि एनआरएचएम योजना जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, ठीक है सुरेश जोशी जी, आपकी बात आ गई, कल्याण को लेकर कुछ नहीं हुआ, शिक्षा में कुछ नहीं हुआ, स्वास्थ्य को लेकर कुछ नहीं हुआ, रोजगार को लेकर कुछ नहीं हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर अभी भी ना इंफ्रास्ट्रक्चर चेक है, अभी भी सिर्फ घोषणाएं घोषणाएं बनी। आपकी बात आ गई सुरेश जोशी जी, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा अमिताभ जी, जिम्मेदारी आखिर किसकी है ये जनता पूछना चाहती है। ठीक है सुरेश भाई, मैं जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने, उसके कुछ समय बाद दसवाना साहब सुनिएगा गौर से, उसके कुछ समय बाद मैं हरीश रावत से मिला और मैंने हरीश रावत का एक लंबा इंटरव्यू किया। उस इंटरव्यू में मैंने हरीश रावत से समझना चाहा कि फर्ज करिए कि आप होते मुख्यमंत्री तो आपका क्या विजन है उत्तराखंड को लेके। मेरे ख्याल से विजय बहुगुणा को बने 1-2 महीने हुआ था। हरीश रावत ने मुझसे कहा कि उत्तराखंड की मेरी समझ में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसका कोई यूएसपी नहीं बन पाई, हॉर्टिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, रिलीजियस टूरिज्म है, कोई एक यूएसपी होनी चाहिए, और बिजली उत्पादन है, कोई एक यूएसपी होनी चाहिए, बोले वो नहीं बन पाई, एक तो वो होना चाहिए।
दूसरा उन्होंने कहा जवानी और पानी रुकना चाहिए पहाड़ पर। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो आदमी विजनरी है, चीजों को समझ रहे हैं। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि आपदा और उत्तराखंड का रिश्ता चोली दामन का है, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ मानवों ने भी योगदान दिया, कुछ भ्रष्टाचार ने भी योगदान दिया आपदाओं में, लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं। अब सवाल है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं उत्तराखंड में ताकि आपदा को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आपदा के बाद जब चीजों को सुधारने का जो सरकारी प्रयास होता है उसमें मिनिमम समय लगे, न्यूनतम समय लगे। ये चार बातें उन्होंने मुझे रेखांकित की। वो मुख्यमंत्री बने, इन चार मुद्दों पर क्या हुआ ये मैं नहीं समझ पा रहा। कमान आई उनके हाथ में, लेकिन उन चार मुद्दों पर कोई निर्णायक पहले हुए ऐसा नहीं हुआ। जब ये थे बहुगुणा थे तो इन्होंने नहीं चलने दिया, अब ये है तो बहुगुणा नहीं चलने देंगे, ठीक हो गया काम। भुगत कौन रही है? जनता। अधिकारी भी मौज में, धस्माना जी भी मान रहे हैं, सुरेश जोशी भी मान रहे हैं, अधिकारी मौज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जरूर 15, 14, 13, 12, 8, 10 जितने बदल गए हो आपके यहां, 8 बदल गए शायद, ठीक है, लेकिन 10 अधिकारी है पहले जिससे लेके आज तक, वही उत्तराखंड के राजा बने हुए हैं, उनका कोई परिवर्तन नहीं, उनका कोई तोड़ नहीं। जो मुख्यमंत्री एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे कांग्रेस में ले लो, उनके राज्य में सबसे ताकतवर नौकरशाह एक ही है दोनों के राज्य में, गलत तो नहीं कह रहा धस्माना जी जोशी जी, एक ही आदमी है जो बहुगुणा के समय में भी सबसे ताकतवर था, जो हरीश जी के समय में भी सबसे ताकतवर है। क्यों भाई? बाकी बहुगुणा के समय ताकतवर रहा कोई व्यक्ति ताकतवर नहीं, लेकिन वो आदमी है तो कुछ तो गड़बड़ है। एक सीरियल आता है सीआईडी, उसमें वो कहता है डीएसपी एसीपी दया कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है। इस भ्रष्टाचार ने भी उत्तराखंड का बेड़ा गर्क किया। और धस्माना साहब, आपके लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र, सुरेश भाई के लिए भाजपा का घोषणा पत्र, मेरे लिए कोई घोषणा पत्र माने नहीं रखता। मेरे लिए सिर्फ इतनी बात, क्योंकि जनता घोषणा पत्र पर वोट नहीं देती, गरीब आदमी घोषणा पत्र पढ़ता है क्या? आप मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं, जिन मामलों के लिए, जिन आप हसरत अपेक्षा और आकांक्षाओं के लिए लोगों ने कुर्बानियां दी, रामपुर तिराहा कांड हुआ जिसके लिए माओ की गोद सुनी हो गई, पत्नियों की मांग सुनी हो गई, तब उत्तराखंड का जन्म हुआ है, क्या हमने वो चीजें कर पाए? ये हमारी कसौटी होनी चाहिए। हरीश रावत जैसे बड़े नेता के लिए ये कसौटी लागू होती है। कोई छोटा मुख्यमंत्री कद का नेता मुख्यमंत्री होता मैं इतनी बड़ी कसौटी की बात नहीं करता, लेकिन हरीश जी है इसलिए कसौटी उन पर लागू होगी। नरेंद्र तिवारी के बाद सबसे ज्यादा उत्तराखंड को जानने समझने वाला सबसे सीनियर आदमी हरीश रावत। ये क्या परिणाम है? जनता को परिणाम चाहिए मित्र, जनता को परिणाम चाहिए। जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुगुणा खेमा क्या कह रहा और हरीश खेमा क्या कह रहा। जनता का एक ही खेमा होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आए, उसकी जिंदगी में कुछ राहत आए। जो माओ की आंख के आंसू हैं आंदोलन के दौरान के, वो जब नीचे गिरते तो सरकार की हथेली आंख के पास होती तो मैं मानता ये सरकारें अच्छी हैं। उत्तराखंड में वो काम नहीं हुआ, अभी भी आप कर्जदार हैं उन आंसुओं के, उन खून के। शासन अभी भी जनता को राहत देने वाला नहीं हुआ उत्तराखंड में। पैसे की समस्या नहीं, आपदा आई, पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने आपको सहायता दी, आप उस सहायता राशि का भी सदुपयोग नहीं कर पाए। इसलिए मैं कहता हूं सवाल आपकी निष्ठा पर उठता है, सवाल आपकी योग्यता पर उठता है। सोचिए आंतरिक संघर्ष से परे जाके ये जो 2 वर्ष है इसमें जनता को जनार्दन मान के राहत देने की कोशिश करिए मित्र, नहीं तो चुनाव में स्थिति अच्छी नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सूर्यकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए समाचार प्लस।